theories of aging. तो इसमें थ्योरीज ऑफ एजिंग में हम लोगों ने बात की थी. सो प्रोग्राम थ्योरी थी. प्रोग्राम थ्योरी मींस दैट डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. मींस क्या है कि एक वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, एक तो एजिंग का ये तरीका है जो बायोलॉजिकल क्लॉक है. बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है जैसे आज सुबह हुई, फिर रात हुई, रात के बाद फिर सुबह हो गई. तो ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यूअस बनी रहे. तो डिसरप्शन एक बायोलॉजिकल क्लॉक. ये प्लांट्स में भी होता है. जो प्लांट्स में सर्कुलर रिंग्स बनती है एज को बताती है वो, क्योंकि डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक है तो उनके रिंग्स को हम काउंट करके ही करते हैं. दूसरा था एरर थ्योरी थी जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज से रिलेटेड था, और बल्कि इसी को हम लोगों ने एम्फसाइज किया था. फिर उसमें वेरियस थ्योरीज आई थी. वेरियस थ्योरीज में एवोल्यूशन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है और सेलुलर थ्योरी. सेलुलर थ्योरी को हम लोगों ने देखा था, और इसमें था शॉर्टनिंग ऑफ जो उसके जो सेल डिवीजन, टेलोमियर शॉर्टनिंग, सेल डिवीजन होते हैं, क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग है, उसको हम लोगों ने रीजन बताया था. सो नो लॉन्गर डिवीजन, इसकी वजह से क्या होता है, कोई डिवीजन आगे फर्दर हो नहीं पाता है सेल्स में, और ये स्वाभाविक सी है. और ये जो कि सबसे अच्छा, और वो साइंटिस्ट है हिलॉक लिमिट भी कहा गया है, और रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज को ही ब्लॉक कर दिया जाता है. रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस एक टर्म था, ये बात उस टाइम पे बताई गई थी. तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरीज हो गई. थ्योरीज में हम लोगों ने बात की थी, इसी का था जीआईटी से रिलेटेड, जो आपने डिस्कस किया था उस दिन, पूछा था कि जीआईटी में, तो जीआईटी में क्या है, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी का मतलब है डिक्रीज इन पैरास्टाइटिक मूवमेंट. पैरास्टाइटिक मूवमेंट कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे चलते ये पेशेंट जो जेरेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो एज पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट अपने ओपीडी हॉस्पिटल में आते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं. तो कॉन्स्टिपेशन मीन समझ गए कि जो बाउल मूवमेंट है, यानी कि माउथ टू एनस, जो हमारा बाउल मूवमेंट होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है. डाइजेशन इज नथिंग बट इट इज ए पूछा जाए पाचन क्या है, डाइजेशन और पाचन, सबसे पहली चीज तो यही जानना है, तब फिर हम बता पाएंगे ना जीआईटी में क्या रोल है जिनका. तो सबसे पहले तो आप डाइजेशन समझिए, व्हाट इज द डाइजेशन डिफिनेशन. डाइजेशन की एग्जैक्टली डिफिनेशन है क्या, पाचन मीन्स ऐसे कह दिया जाए पाचन तो पाचन हो गया. नो, डाइजेशन होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल, जटिल भोज्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इन टू द सिंप्लीफाइड फूड मटीरियल टू एब्जॉर्बल पोजिशन. मतलब इतना सिंपल हो जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल है, बहुत सारे जो डेली व्यू वट एवर वी आर टेकिंग द आवर लंच डिनर्स एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑल, सो दैट इज द इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, ये फॉर्म ऑफ फूड होता है. अब इसका कन्वर्जन होना है, मीन्स द कन्वर्जन, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इन टू द सिंप्लीफाइड फूड. अब इसमें है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड में है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें हैं. दीज आर द फूड्स. सो अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, राइस है, राइस आपने यूज किया, कार्बोहाइड्रेट है. अब राइस एज इट इज क्या आपकी सेल में अब्सॉर्ब हो सकता है? नो, इट शुड बी चेंज. अब ये इतना जटिल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट, राइस मान लीजिए कोई पेशेंट है, चावल खाता है, रोटी खाता है, सब कार्बोहाइड्रेट है,
और ये जटिल फॉर्म पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारे हमें फूड की नीड होती है हमारी एक एक सेल तक। तो ये कार्बोहाइड्रेट शुड बी गेट इनटू द सिंपलीफाइड फूड, सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द फूड। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है दीज आर द पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड। अब ये जो सिंपल फॉर्म्स में बनेंगे तो आप एज यू नो दीज आर द ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में सिंपली फॉर्म हो जाएगा। यस दिस इज द एब्जॉर्बेबल। ऐसे ही मान लीजिए प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, कोई फैट खाता है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, लिपिड्स है, जब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो बनता है फाइनली अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स दे आर इजी टू एब्जॉर्ब इन अवर बॉडी और इन अवर सेल विच इज नीडेड बाई द सेल, बिकॉज our body is complex structure which is unit structure is the cell. Hamari ek ek cell ko food ki avashyakta hai aur food it should be absorbed in only in simplified manner. So this is the process of conversion of complex food into the simplified form of food. This is called digestion. ये है digestion. Don't say कि जो भी definition आपने बताया please be remember. Simple definition, it is the conversion of complex form of food into the simplified form of food. This is the digestion. Okay, after digestion, अब ये digestion होता है, अब आपको पता है digestive system जो होता है वो पूरा mouth to anus, ये पूरा digestive tract है, mouth, pharynx, esophagus, stomach हो गया, small intestine, large intestine, rectum, anus, इस तरह से पूरा structure। अब क्या होता है कि इसमें डाइजेशन की आपने परिभाषा आपने पढ़ ली, व्हाट इज डाइजेशन टेल मी, इट इज बेसिकली द फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलीफाइड फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके सो डाइजेशन इज स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, राइट, ओके सो दिस इज माउथ, ओएसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं इसी को, कोई डाउट? इसके बाद दिस इज स्टमक, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद में इसके पीछे सबसे ऊपर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पीछे से निकलती है, इसके पीछे से इस तरह से निकली, समझ में आ रहा है? और फिर ये क्वाइल स्ट्रक्चर है, इज इट क्लियर? हां जी, क्वाइल स्ट्रक्चर, मल्टीपल क्वाइल है, और ये क्वाइल स्ट्रक्चर फिर फाइनली जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसमें जाकर के ऐसे मिल गई, इज इट क्लियर? और ये ट्रैक्ट यहां से माउथ, ओएसोफेगस या फूड पाइप, फूड पाइप, इसके बाद में स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम, और ये फाइनली एनस, इज इट क्लियर? फूड फाइव, फूड पार्टिकल, वो हमेशा बोलस के फॉर्म्स में आता है जो आप स्वालो करते हैं। ये जो इंटेस्टाइनल सब स्मूथ मसल से स्ट्रक्चर है, कल आपको उस दिन बताया था स्केलेटल मसल जो कि बोन से जुड़ी हुई है, वहां पे भी एज के साथ में डिटोरिएशन होता है। अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन या जीआईटी के केस में एजिंग के लिए, तो आपको भी बताया है या डे फर्स्ट जो पहला लेक्चर था उसमें मेंशन था डिक्रीज इन मोर्टेलिटी, मतलब मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, आप ऐसे कर सकते हैं डिक्रीज इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसी की वजह से आप स्वालो करते तक तो आपको याद रहता है, उसके बाद में फिर क्या है स्मूथ मसल्स, वो क्या है एक स्टेप भाई इस तरह से चलता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है एज के साथ में डिक्रीज हो जाता है, ये वही चीज है जैसे उस दिन आपको बताया था न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज, एस्टाइल कोलिन का एक इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था आपको, एस्टाइल कोलिन मॉलिक्यूल एक निकलता है ACH,
और यहाँ इफेक्टर मसल्स रहती हैं, और ये क्या है, डिजनरेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, या जैसे आपको हमने उस दिन बताया था कि नर्वस सिस्टम की क्या डिजनरेशन है, उससे ये होता है, और ओवरऑल ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि इसकी जैसे मोर्टेलिटी है धीरे धीरे कम हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये सब पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से चलता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ रहे हैं? हां जी सर। ये इसको जैसे प्रेस किया फिर आगे बढ़ा, फिर प्रेस किया फिर आगे बढ़ा, और इसके अंदर विलाइज होती है जो कि इसको अब्सॉर्ब करती है। तो अब ये मूवमेंट जैसे कम हो जाएगा तो धीरे धीरे होगा क्या कि अब ये पता चला ये जो प्रोसेस है इसको हो जाना चाहिए था 20 मिनट्स में और ये ले रहा है 2 आवर्स, तो ऑब्वियसली इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मीन्स ब्लॉकेट ऑफ दिस, ये पैसेज एक तरीके से ब्लॉकेट हो जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन होता है रिलेटेड। तो ओवरऑल ये है, अगर इसके आप जीस पे जाएंगे, अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, तो फिर यही होगा कि इनके स्मूथ मसल्स ये कम क्यों हो गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम, फिर वो सीधे जाएगा नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको हमने बताया था, ये आपको हमने ये सी शेप सेल बताई थी, याद आ रहा होगा, डेंड्राइट एग्जाम, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर आया और फिर ये साइनाप्स बनता है। इस साइनाप्स पे कोई कनेक्टेड नहीं होता है, इसके बीच में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, एक से बिल्कुल ये है, दिस इज द साइनाप्स, और यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन एक केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये इफेक्टर मसल्स में गया और उसका सेम यही इफेक्टर मसल्स है, तो ये ओवरऑल फिर जाकर के उससे ओवरऑल कनेक्ट हो गया जाके। तो इस तरह से ये पूरी फिजियोलॉजी एक साथ होती है, तो ऑल आर दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो उस दिन आपने बात बताई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली हो क्या था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये हम बात करें होल बॉडी की, होल बॉडी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम, इज अ नॉट ए सिंगल वन, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, ऑल दे आर जॉइंट टुगेदर एंड दे आर इफेक्टिवली मेड, क्यूमुलेटिव इफेक्ट वो आ जाते हैं सब एक साथ में, तो वो एक साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इवन ब्रेन मैसेंजर्स हैं सभी, तो जीआईटी पे वही इफेक्ट आता है। तो दैट वाज द, ऐसे ही मैंने आपको सभी लगभग सभी पार्ट्स में ये बात बताई थी कि चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका स्केलेटन सिस्टम में, स्पेशली अगर स्केलेटन सिस्टम की बात की जाए तो फिर वहां पे बात आ जाती है बोन डेंसिटी, टोटल मास, आपको टर्म आपका हमने नोट कराया है, टोटल मास एंड टोटल वेट, जो उसकी डेंसिटी है, कैल्शियम और कंटेंट, ये सब डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये सब है। तो दीज आर द चेंजेस विद एजिंग, तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। आइए अब हम लोग, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज द मेटाबॉलिक चेंजेस। तो मेटाबॉलिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म, ये जो है मेटाबॉलिज्म चेंजेस, द एज रिलेटेड मेटाबॉलिज्म चेंजेस, बर्न द कैलोरीज और एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है। एनर्जी डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगी। स्केलेटल मसल्स बेसिकली इसमें मेटाबॉलिज्म में स्केलेटल मसल्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो ये बात होगी जाकर के। इसके बाद में कल और हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वॉज द टेम्परेचर। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद एज, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि एज के साथ में क्योंकि बॉडी मास भी कम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो एडिपोज टिश्यू है थर्मो रेगुलेटरी वर्क कर रहा है, तो फिर एडिपोज जब टिश्यू कम हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस है दो एटमोस्फियर के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, तो पेशेंट को जल्दी से सिवरिंग या कोल्ड फील होगी। तो जेरेट्रिक्स या ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्पेशली इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो ये है, सो द बॉडी टेम्परेचर और रेट, ये सब वाइटल साइन होते हैं बॉडी के, लिविंग बींग्स के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ऑल द चेंजेस विद द एज, ये तो बात हो गई जाके, और इनलेस इसी वजह से फीवर एंड ऑल ये सब बात आती है। इसके बाद हम लोगों ने कल इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था दैट वाज द बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस डिसऑर्डर की बात की थी, बैलेंस डिसऑर्डर। अब बैलेंस डिसऑर्डर में हम लोगों ने जो सिम्टम्स देखे, व्हाट वाज द सिम्टम्स, बोलो सिम्टम्स,
फीलिंग ऑफ अनस्टेडीनेस, फीलिंग ऑफ अनस्टेडीनेस, फीलिंग ऑफ फॉल, अनस्टेडीनेस, फीलिंग ऑफ लाइट हेडेडनेस, फेंटनेस, लाइटनेस, फेंट और ब्लर्ड विजन, डिसोरिएंटेशन, ब्लर्ड विजन और डिसोरिएंटेशन, डिसोरिएंटेशन और फीलिंग ऑफ फॉलिंग, फीलिंग ऑफ फॉलिंग. सो ये है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली स्टेज आती है, अनस्टेडनेस है और लाइटेड नेट, लाइटेड लाइटेडहुड आपको पेशेंट फील करता है, फेंट बहुत कमजोर हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है, डिसलोकेशन या डिसऑर्डर जो बॉडी में आ जाती है उसको ये नहीं पता चलता है, वो कंफ्यूजन, टाइम, लोकेशन और इस तरह की चीजें आ जाती है. तो ये बैलेंस डिसऑर्डर्स में आता है. जो इनके अदर सिम्टम्स होते हैं तो वो आपको हमने बताया था. अदर सिम्टम्स में क्या था? नौजिया और वोमिटिंग, डायरिया, एंजाइटी, फियर, पैनिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा, विच मे लीड टू फटीग एंड हाँ, विच अगर ये बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो वो क्या हो जाता है कि फटीग और वो पेशेंट फाइनली डिप्रेशन में. तो इसीलिए ये बल्कि और एक तरीके का देखा जाए तो ये बाद में वही अल्जाइमर और पार्किंसंस की तरफ भी पेशेंट बढ़ जाता है. तो ये हम लोगों ने बात की थी और आपको ये बात बताया था कि मान लीजिए या तो नौजिया है या इन केस नौजिया या वोमिटिंग आ रहा है तो आपको हमने कल बताया था कि ये जो ब्रेन का पार्ट है इसमें कीमो ट्रिगर जोन, कीमो ट्रिगर जोन CTZ सेंटर स्टिमुलेशन हो जाता है तो जिसकी वजह से पेशेंट वोमिटिंग फील करता है और नौजिया भी आता है. तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ब्रेन की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन और ये आपको एक बार देखिए. सो यू विल फाइंड कि अदर अदर पार्ट्स हैं जैसे नर्वस, ये नौजिया है या वोमिटिंग है तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं. अब अगर हम इसकी बात करें ब्लड विजन की तो ब्लड विजन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आई ऑप्टिक नर्व या आई मान लीजिए इसका रेटिना सही है, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन का कोऑर्डिनेशन में ये है. तो कल हमने बात की थी क्रेनियल नर्व्स, जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थी तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए इन्वॉल्वमेंट है. बैलेंसिंग ऑर्गन एक्चुअली इसमें आपको हमने बताया था कि ये जो ईयर है, ईयर एक बैलेंसिंग ऑर्गन है ईयर, और इसमें आपको हमने बताया था दैट वाज द, अगर हम ईयर का स्ट्रक्चर देखें एक्सटर्नल, ये ईयर पिन्ना है, बाहर का जो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ईयर पिन्ना है, फिर इसके बाद में ये ट्यूब है और ये एक्सटर्नल ईयर ट्यूब कहलाती है, और फिर एक ड्रम होता है, दिस इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम या ईयर ड्रम भी कहते हैं. इसके बाद में फिर इसके अंदर छोटी छोटी स्मॉलेस्ट बोन होती है, मैलियस इनकस स्टेपीज होती है, और फिर इसके बाद में सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, और यहीं से बाद में वेस्टिबुलर नर्व्स जाती है जो कि ब्रेन तक पहुंचाती है. तो ये अगर देखा जाए, अगर इसकी हम फिजियोलॉजी देखें हियरिंग की फिजियोलॉजी या बैलेंसिंग के लिए, तो यहाँ से साउंड वेव्स अगर आती है, साउंड वेव्स जैसे आती है तो एक्सटर्नल ईयर से होते हुए सीधे टिम्पैनम में गई और यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट किया, यहाँ से ये वाइब्रेशन सर्कुलेट हुआ और ये रिसेप्टर्स के थ्रू ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स और इसमें भरे हुए जो फ्लूइड्स है फ्लूड में गया और फ्लूड कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर, ये जो कॉक्लियर सिस्टम है और वेस्टिबुलर सिस्टम है उनके पास, और ये जैसा ही ये मैसेज देगा सेमी सर्कुलर फ्लूड्स वैसे ही ब्रेन को इंफॉर्मेशन आएगी. आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे हैं अगर उनसे कहा जाए रोटेट करो तो वो क्या होता है फ्लूड उसी सिक्वेंस में रोटेट करने लगता है, उसी को रुक जाए तो फाइनली दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देयर बॉडी, दे फॉल डाउन. रीजन क्या होता है कि वो उसी सिक्वेंस में मैसेज दे रहा होता है. तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो दैट बैलेंस डिसऑर्डर दैट यू कैन इजिली कोरिलेट विद दैट चाइल्ड प्ले, कि वो जिस तरह से घूमता है तो इसका मतलब है जो फ्लूड्स है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के फ्लूड है वो कहीं ना कहीं जाकर के ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं और ब्रेन वैसे ही मैसेजिंग देता है तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और उन सब का इफेक्ट हो जाता है. सो दैट वाज द ऑल अबाउट फॉर योर सिलेबस व्हाट एवर वी हैव डिस्कस, एंड माई सजेशन इज दैट यू हैव टू कंसल्ट विद योर स्टैंडर्ड बुक्स, व्हाट एवर द रेफरल बुक्स यू हैविंग कंसल्ट दैट बुक्स, make your notes and you search your research paper publications and all,
पब्लिकेशंस जो जो अवेलेबल है जहां पे भी अवेलेबल है अपनी लाइब्रेरी से सेंट्रल लाइब्रेरी से वो कलेक्ट करिए और यू शुड बोथ ऑफ यू यू शुड रेडी फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ होल यूनिट 6 इन कमिंग लेक्चर सो फर्स्ट यू शुड रेडी देन सेकंड नेक्स्ट स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर होल पीपीटी प्रेजेंटेशन सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर सिलेबस Thank you from my side, but two classes, two more classes, there we will discuss by the PowerPoint presentation online classes, right? Thank you so much.